हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एम्पलीफायर बनाना सबका सपना रहता है। लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं एम्पलीफायर बनाने की। लोग अलग अलग वीडियोज़ देखते हैं, चार्जर से एम्पलीफायर, CFL से एम्पलीफायर, पता नहीं और क्या क्या देख लेते हैं। बाद में टाइम बर्बाद होता है, कुछ खास होता नहीं है। तो इतना टाइम तो आप बर्बाद किए होंगे। इस वीडियो में और थोड़ा सा बर्बाद करके देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि TDF 2050 या 2030 IC से कैसे एम्पलीफायर बनाया जाता है। इसका एकदम गहराई से समझेंगे कौन कौन सी कंपोनेंट का क्या काम है। मैं आपको सिखा दूंगा कि TDF 2030 या 2050 IC को यूज करके कैसे 0-12 वोल्टेज से एम्पलीफायर बनाया जाए, मतलब कि बैटरी पे चलने वाली एम्पलीफायर। दोस्तों, इस तरह की जो एम्पलीफायर्स होते हैं इनको बोला जाता है ऑप एम्प, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वो क्या है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इस तरह के एक ट्राइंगल मिलता है, इनका डाटा शीट देखेंगे तो इस तरह के ट्राइंगल में एम्पलीफायर होती है। इसमें दो होती है सप्लाई की पिन, एक है पॉजिटिव सप्लाई, एक है नेगेटिव सप्लाई, मतलब कि बैटरी से सप्लाई देंगे इसमें। और दो इनपुट पिन होते हैं, इनपुट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और एक होती है आउटपुट पिन। और इतने में ही बन जाता है ऑप एम्प, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें भी 5 पिन है, इस तरह का ही एम्पलीफायर है ये। इसमें जो पहला वाला पिन है वो है ये, जो सेकंड पिन है वो है ये, जो थर्ड पिन है 3 नंबर की पिन वो है माइनस वाला सप्लाई, जो फोर्थ पिन है ये है आउटपुट पिन, जो फिफ्थ पिन है ये है प्लस वाला सप्लाई। तो ये रहा सारे पिन का नाम। 1 नंबर होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी पॉजिटिव इनपुट भी कह सकते हैं इसको। 2 नंबर होता है इन्वर्टिंग इनपुट, यानी नेगेटिव इनपुट बोल सकते हैं। 3 नंबर है सप्लाई का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव। और 4 नंबर है आउटपुट, और 5 नंबर है सप्लाई का पॉजिटिव इसका। भाई, इस ट्राइंगल का मेन फंडा ये होता है, ये एक्चुअली डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो इनपुट है, इन दोनों में जो इनपुट वोल्टेज की जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका वोल्टेज सेट होता है। अगर माइनस की वोल्टेज ज़्यादा है तो ये आउटपुट की वोल्टेज 0 हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज आना चाहिए। और अगर प्लस की वोल्टेज माइनस से ज़्यादा है तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 वोल्ट है 1 नंबर पिन में, 2 नंबर पिन में 3.02 वोल्ट है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है तो ये आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आउटपुट पॉजिटिव सेचुरेट हो जाएगी। तो भाई, इससे एम्पलीफायर कैसे बनेगी? ये तो या तो ऑन हो रहा है या तो ऑफ हो रहा है, यहाँ पर बीच में वोल्टेज रहना चाहिए एक एम्पलीफायर बनने के लिए, तभी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एम्पलीफायर है। तो वो करने के लिए हमें फीडबैक लगाना पड़ता है। देखिए, ये अगर आपका ऑप एम्प है तो इसके साथ हम लोग एक फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं। इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं आउटपुट से इनपुट में, तो आउटपुट जब बढ़ने लगता है तो इनपुट की वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये वोल्टेज जो है एक बैलेंस में रहती है। तो इस तरह की अगर एक एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, इसमें प्लस 12 और इसमें माइनस 12 देते हैं, तो ये कहलाती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब अगर इस पिन में वोल्टेज ज़्यादा होगी तो इस पिन में वोल्टेज कम होने लगेगी। अगर इस पिन में वोल्टेज 0 रहता है, मतलब ग्राउंड रहता है, 12 0 12 सप्लाई दिया जाता है इसको, तो ये जो ग्राउंड है ये होता है 0 और ये -12 +12। तो इस पिन में अगर वोल्टेज बढ़ती है तो इस पिन में वोल्टेज घटने लगती है। तो कितना घटेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों रेजिस्टर की जो वैल्यू है उनके ऊपर। अगर ये रेजिस्टर मान लीजिए आप लोग 10K लगाया और ये अगर 1K लगाया, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज 1 वोल्ट होता है इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर -10 वोल्ट आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसका जो गेन है, मतलब जो कितना एम्पलीफाई करेगा, वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर डिपेंड करता है इस रजिस्टर बाई इस रजिस्टर दोनों का वैल्यू के ऊपर। तो 10K / 1K कितना होता है? 10 होता है, मतलब कि 10 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हमारा मिलेगा। लेकिन हम लोग इनपुट दे रहे हैं माइनस वाली सप्लाई में, तो हमें एक नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, तो इसलिए ये होगा -10 वोल्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज पाने के लिए यहाँ पर हमें नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ये सब एम्पलीफायर DC और AC दोनों के लिए काम करेगा। अगर आप लोग DC भी एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। मानिए आपके पास कोई भी सेंसर से कम वोल्टेज आ रही है, सेंसर का डाटा से आप लोग उसको ज़्यादा करके कई मल्टीमीटर या किसी में मापना चाहते हैं, उसमें भी काम करेगा ये। तो खैर, ये सब अलग बात हो गई। तो आप बोलेंगे भाई, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज घटने लगती है, तो जो सिग्नल होगा एम्पलीफिकेशन में, वो सिग्नल का जो फेज है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो अगर ये आपका इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल ऐसे मिलेगा आपको, थोड़ा सा एम्पलीफाइड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो जब वोल्टेज पॉजिटिव में जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव में जाएगी। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बनाना पॉसिबल है, तब आपको इस पॉइंट को ग्राउंड करना होगा और इस पॉइंट में आपको सिग्नल इन देना होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसके साथ 1 ऐड हो जाएगी, तब ये मिलेगा 11x एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप लोग 100K लगाते हैं तो 101x एम्पलीफिकेशन मिलेगी। अगर इस रजिस्टर को आप लोग बढ़ाएंगे तो एम्पलीफिकेशन कम होगी, 10K और 100K करेंगे तो फिर से ये 11 हो जाएगी। और अगर ये
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते हैं तो 10 होगी, ये 1 तब ऐड नहीं होगी। तो ये सब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए 1 आ रहा है। तो मैंने आपको जस्ट सरफेस लेवल पे ज्ञान दिया, अगर इसका डीप में जाना है तो आपको ऑप एम्प के बारे में वीडियोस देखना पड़ेगा। तो भाई अब हमें साफ समझ में आ गया कि इस एम्पलीफायर में कितना एम्पलीफाई करेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों रजिस्टर के ऊपर। तो आप बोलेंगे भाई हमें जो एम्पलीफिकेशन चाहिए बहुत ही तगड़ा चाहिए, हम JBL का बड़ा बड़ा स्पीकर बजाएंगे, तो क्या हम लोग यहाँ पर 10 MHz लगा देंगे और यहाँ पर 1 ओम लगा देंगे तो 1 वोल्ट देंगे तो 10 MV आउटपुट होगा? नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो लिमिटेड है इसका सप्लाई वोल्टेज में। अगर आप लोग ऐसा कोई वोल्टेज दे देते हैं या फिर ऐसा कोई गेन दे देते हैं, जैसे इसका आउटपुट वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज टाइम्स इसका गेन, मतलब अगर यहाँ पर गेन आपका 10 है तो इनपुट वोल्टेज आपने दिया 1 वोल्ट, सो आउटपुट में 10 वोल्ट आने लगेगी। अगर गेन 20 है, इनपुट में आप लोग दिया 1 वोल्ट तो आउटपुट में 20 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 12 वोल्ट अवेलेबल है तो ये आउटपुट 12 वोल्ट में सैचुरेट कर जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा एक एम्पलीफायर बनाते हैं जो बहुत ही हाई गेन देता है लेकिन उसके पास वोल्टेज कम है, तो अगर आप लोग सिग्नल ऐसा दिया साइन वेव, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा कटा हुआ आउटपुट मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इसी वजह से जो साउंड है वो फटने लगती है। तो ये होगा 12 वोल्ट, मतलब इसके ऊपर वोल्टेज अवेलेबल ही नहीं है तो ये कैसे एम्पलीफाई करेगा? तो इस पार्ट को ये एम्पलीफाई नहीं कर पाया इस पार्ट को। तो इसलिए हमें गेन को ऐसे रखना है ताकि यहाँ पर कभी भी किसी भी हालत पे जो आउटपुट की वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा ना होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ये सिग्नल कट जाएगा। तो भाई हम लोग बनाना चाहते हैं एक एम्पलीफायर जो 12 वोल्ट DC में चलेगी, तो 0-12 वोल्ट में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो दिखाया ये तो 12-0-12 के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया। ये जो ग्राउंड पॉइंट है ये होगा 0 और बाकी प्लस माइनस 12 इसको सप्लाई देना होगा। लेकिन अगर हम लोग ओनली 12 वोल्ट में चलाना चाहते हैं TDA-2030 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक आर्टिफिशियली 0 बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग काम कर सकते हैं इसको लेके। हमने जो प्लस 12 वोल्ट और 0 वोल्ट दे रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी से, उसको हमें 606 में डिवाइड कर लेना होगा। तो 606 कैसे डिवाइड होगी? तो अगर आप लोग 12 वोल्ट एक रजिस्टर में देते हैं, उसके नीचे और एक रजिस्टर रहता है इसमें ग्राउंड देते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिल जाएगी दो रजिस्टर के अंदर। लेकिन ये 12-0-12 सप्लाई का 0 के साथ एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। इस सप्लाई में अगर आप लोग एक साइड में लोड कनेक्ट करते हैं, दूसरा साइड खाली रहता है, फिर भी यहाँ पर 12 और 12 मिलने लगेगी। लेकिन इस तरह की जो सप्लाई है रजिस्टर से आप बनाते हैं, अगर एक साइड में आप लोग लोड दे दिया तो ये वोल्टेज जो है घटने लगेगी, दूसरा साइड में वोल्टेज बढ़ने लगेगी। तो ये बस लॉजिक सेट करने के लिए सही है, इसके साथ लोड लगाने के लिए सही नहीं है ये। फिर भी हम लोग यहाँ पर ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो सप्लाई का आउटपुट है, मतलब एम्पलीफायर का आउटपुट, इसमें नॉइज आने लगेगी। इसलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना रिकमेंडेड है। यहाँ पर आप लोग कोई कैपेसिटर लगा सकते हैं 10 μF या फिर कुछ, ये रजिस्टर की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके होगा। अगर आप लोग 1K लगाते हैं तो यहाँ पर 47 लगाए तो बेहतर होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो माइक्रोफेराड कम लगाने से भी चलेगा, स्टेबल रहेगा वोल्टेज। एनीवे तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बस यहाँ पर जो ग्राउंड पॉइंट है इस पॉइंट को सेट करने के लिए, तो ये पॉइंट कहलाएगा अब ग्राउंड पॉइंट, ठीक है। बाकी प्लस और माइनस सप्लाई ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एक ऑडियो एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं 20-30 IC से। सो ये हो गया 20-30 IC। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ग्राउंड पॉइंट बना लेना होगा जैसा यहाँ पर दिखाया। तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया प्लस 12 वोल्ट, तो यहाँ पर बीच की वोल्टेज मिलने लगी 6 वोल्ट, तो वही हो जाएगा ग्राउंड पॉइंट। तो इसके साथ एक कैपेसिटर लगाना होगा आपको, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगेगी, ये जो वोल्टेज है इसको स्टेबल बनाएगी। 1K मान लेते हैं अब हम, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट में आपको 0 मिल जाएगी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो माइनस पॉइंट है इस पॉइंट में एक नेटवर्क देंगे जो गेन को सेट करेगा। तो इस तरह से आउटपुट से एक रेजिस्टेंस आएगा और एक रेजिस्टेंस आपका इनपुट में हो जाएगी ऐसे। ओके, तो ये लग जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था जो डायग्राम, यहाँ पर देखिए आउटपुट से एक रेजिस्टेंस आया, इसमें लगा, उसके बाद ये जाके ग्राउंड में लगा। तो ये ग्राउंड पॉइंट ही हमारा ये वाला पॉइंट है। जो इनपुट वोल्टेज हम लोग देंगे वो इसके साथ और इस ग्राउंड के बीच देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोग इन लिखे थे वो ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच देते थे, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही अनबैलेंस्ड है। तो ये थोड़ा सा भी इसमें कुछ हुआ तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगी, इसलिए हम लोग ये जो नेगेटिव है 0 वोल्ट, इसके रेस्पेक्ट में भी दे सकते हैं इनपुट वोल्टेज,
लेकिन उस टाइम पे हमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा इनपुट में, तो ये कैपेसिटर से यहाँ पर हम लोग ऑडियो लाइन दे सकते हैं। और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए इसके साथ एक रेजिस्टेंस दे देंगे ग्राउंड में, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही हाई देंगे, मानिए कि 100 किलो हम। और ये गेन सेट करने वाले रजिस्टर कैसे लगाएंगे हम लोग, हम यहाँ पर 22 की गेन चाहते हैं, तो इससे ही काफ़ी हद तक सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 220 किलो हम ले लेंगे और यहाँ पर 10 किलो हम ले लेंगे। सो इसको इसको देखे डिवाइड करने से 22 जैसा आएगा, तो ये होगा आपका गेन। तो इस सर्किट को हम लोग बना के ट्राई करेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, इस पॉइंट में हम लोग दे रहे हैं 6 वोल्ट, जो स्पीकर कनेक्ट करेंगे ये भी 6 वोल्ट में रहेगा। जब यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो ये भी 6 वोल्ट रहेगा। तो अगर आप लोग स्पीकर को इस माइनस से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो स्पीकर के अंदर हमेशा करंट जाने लगेगी डीसी, तो ये स्पीकर डैमेज होगा और ये आईसी भी डैमेज हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है बहुत ही हाई माइक्रोफैराड की, 1000 माइक्रोफैराड लगाए तो बेहतर होगा, हम 470 मान लेते हैं। तो इस कैपेसिटर के अंदर से कोई भी डीसी नहीं जाएगा, बस एसी जो ऑडियो वेवफॉर्म है वो जाएगा इसके अंदर। सो ये जाएगा स्पीकर में। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, जो स्पीकर में फटी हुई आवाज़ थोड़ा थोड़ा सा आता है वो रोकने के लिए यहाँ पर एक पीएफ लगाया जाता है 104 का। बस ये हो गया आपका सर्किट। तो इस सर्किट को हम लोग एक बार फाइन करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है बैटरी का माइनस। और जो रियल बोर्ड होते हैं TDA-230 का, यहाँ पर ये डायरेक्टली ये कैपेसिटर नहीं लगा रहता है, यहाँ पर एक रजिस्टर रहता है 1 ओम या 10 ओम जैसा। दोस्तों ये है हमारा रिफाइंड डायग्राम। ये 230 IC है, इसके 5 नंबर पिन में पॉजिटिव सप्लाई जाती है, तो हम लोग 12 वोल्ट देंगे इसमें। और ग्राउंड जाती है 3 नंबर के पिन में, ये सेम होता है हीट सिंक की पिन के साथ। तो यहाँ पर ग्राउंड दे दिया और पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच सप्लाई में एक कैपेसिटर लगती है, वो ज़्यादा माइक्रोफैराड का होगा तो बेस अच्छा देगा। 100 माइक्रोफैराड मैंने लिखा है इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई, इसके बीच 2 1K रजिस्टर लगा दिया, ये बीच वाला पॉइंट है, इसमें ये मिडिल की वोल्टेज सेट करेगा, मतलब 6 वोल्ट जैसा सेट करेगा। वो सेट किया हुआ वोल्टेज को स्टेबिलिटी देने के लिए ये 47 माइक्रोफैराड उस वोल्टेज से ग्राउंड के बीच लगाया। इसका पॉजिटिव इस साइड में होगा, नेगेटिव उस साइड में होगा। दोस्तों इसमें तो बन गया हमारा जो 12 0 12 जैसा सप्लाई बनाना था वो बन गया, जो मिडिल पॉइंट है। अब आउटपुट जो लेंगे, 4 नंबर पिन आउटपुट होती है और इससे एक 470 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से आउटपुट का स्पीकर लगेगा। नेक्स्ट इन दोनों इनपुट पिन का कनेक्शन देखते हैं। जो ऑडियो इन होगा वो पिन नंबर 1 में जाएगी, इसमें एक जस्ट स्टेबिलिटी के लिए 100K रजिस्टर लगाना होगा, ये जो मिडिल पॉइंट हमने बनाया आर्टिफिशियल ग्राउंड इसमें। और दोस्तों 2 नंबर की जो इनपुट पिन है ये गेन सेटिंग के लिए यूज हो रही है। जो आउटपुट है उससे 220 किलो ओम रजिस्टर आया है इसमें, उसके बाद इससे 10 किलो ओम रजिस्टर इस आर्टिफिशियल ग्राउंड में लगा हुआ है, ये है 10 किलो ओम। ओके, अब दोस्तों ऑडियो इनपुट जा रही है एक 104 कैप से, और आउटपुट जो है इसमें फिल्ट्रेशन के लिए 104 कैप लगा हुआ है, ये फटा हुआ आवाज़ ठीक करने के लिए है। और दोस्तों बाकी कुछ नहीं है, जस्ट ये आपका स्पीकर निकल गया यहाँ से। तो दोस्तों इतना ही है इसका डायग्राम, चलिए इस सर्किट को बना लेते हैं एक्चुअल में और टेस्ट करते हैं रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो भाई इसका मेकिंग पार्ट को मैं ज़्यादा स्पीड में दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है ऑलरेडी। इस वीडियो का ओरिजिनल देखना है तो आपको मेरा सेकंड चैनल में जाना होगा, उसमें पूरा नॉर्मल स्पीड में ओरिजिनली दिखाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना इंटरेस्टेड है तो। अब भैया इसको मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए हाथ देने से जो साउंड करता है वो थोड़ा सा फटी हुई आ रहा है। अब हम लोग गाना चला के देखते हैं क्यों ये आता है, ये भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए गाना को चलाते हैं और साउंड बढ़ाते ही देखिए थोड़ा सा फटा फटा आवाज़ इसमें आने लग रहा है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया था 104 का पिन 4 और 3 के बीच, मतलब कि आउटपुट और ग्राउंड के बीच फटी आवाज़ को रोकने के लिए इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा, तभी जाके ये फटा आवाज़ कम होगा। इसको बोलते हैं जेबल नेटवर्क। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना अभी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पीडेंस मैचिंग की बात है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होती है और जो कैपेसिटर होती है वो कैपेसिटिव होती है, वो मिलके कुछ मामला है इसका। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा 10 ओम या ऐसा कुछ लो वैल्यू के रेजिस्टेंस, मैं लगा रहा हूँ 10 ओम। आप 4.7 2.2 जैसे कुछ लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा लो रेजिस्टेंस नहीं है
तो भी आप कर सकते हैं, जस्ट इसको यहाँ से खोल के स्पीकर में लगा दीजिए, स्पीकर में प्लस माइनस के बीच, तभी जो स्पीकर का तार का रेजिस्टेंस वो इसमें इफेक्ट करेगा और जो साउंड है उसको ठीक कर देगा। अब चलिए मेरा जो रेजिस्टेंस है ये लग चुका है, अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं ये सही से काम करता है या फिर नहीं। तो खैर इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया कि कंपोनेंट क्यों लगाया गया है, तो जस्ट चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं और देखिए जो साउंड है ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, अभी साउंड की क्वालिटी भी अच्छी लग रहा है, जैसे नॉर्मल होम थिएटर में होता है ना वैसा ही है। जो बेस की पांच है वो भी अच्छी है, तो यहाँ पर जो साउंड की फटी हुई जो आवाज़ आ रहा था वो अब सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा गाना सुन लीजिए उसके बाद दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाना काफ़ी लेबरस होता है, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करके वीडियो बनाना पड़ता है। और इस तरह के वीडियोज़ में व्यूज भी उतना हाई नहीं आता है जो नॉर्मल DIY वीडियो में आता है। तो अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया, आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह के वीडियोज बनाने में और मदद करना चाहते हैं, तो हमारा सुपर थैंक्स या चैनल के ज्वाइन बटन या फिर इस UPI ID में कुछ डोनेट करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। दोस्तों, मेरा जो इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको पूछना है, कुछ बातें वगैरह करना है, चले आना। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।